आपने तो कई चुनाव देखे विष्णुदेव जी, पर इस बार का जो चुनाव है इसमें लक्ष्य बहुत बड़े ले लिए हैं। सत्ता में आने की बात नहीं कही जा रही है, भाजपा की बात करें तो 370 पार की बात हो रही है, एनडीए की बात करें तो 400 पार की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11-0 की बात हो रही है। आपको नहीं लगता है थोड़े बड़े लक्ष्य ले लिए? देखिए क्या है, 2014 में अकेले भारतीय जनता पार्टी को 282 सीट मिली थी और आदरणीय मोदी जी ने 5 साल गरीबों के लिए काम किया, और 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया तो उनके 5 साल के कामों का मूल्यांकन हुआ, देश की जनता ने उनके कामों का मूल्यांकन किया और आशीर्वाद को और बढ़ाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेले भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट मिली और हम कह सकते हैं कि अब 10 साल के उनके कामों का आकलन देश की जनता कर रही है। और ये 2024 के चुनाव में आदरणीय मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 का भी खात्मा किया है और पार्टी का लक्ष्य है कि अकेले भारतीय जनता पार्टी 370 से ज़्यादा सीट जीतेगी और एनडीए 400 पार करेगी। और हमको पूरा विश्वास लगता है, जिस तरह से हम पिछले कई दिनों से लोगों के बीच में चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, जो रिस्पांस जनता का दिख रहा है प्रधानमंत्री जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हम लोगों ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, हमको लगता है कि इसको हम लोग हासिल करके रहेंगे।